मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से करते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया। गिरफ्तार किए गए शूटर ने खुद को बताया नाबालिग। शूटर धर्मेंद्र कश्यप ने अपनी उम्र 17 वर्ष बताई। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से मांगा सर्टिफिकेट। बाबा सिद्दीकी के दो हत्यारे यूपी में बहराइच के हैं, बहराइच के दादरा गाँव के रहने वाले हैं। शूटर दारोगा और सिपाही भेजकर बहराइच पुलिस की जांच। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें, बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, हत्याकांड मामले में जांच तेज हो गई है। महाराष्ट्र पुलिस यूपी एसटीएफ ने किया संपर्क, शूटर और गैंग से जुड़ी जानकारी हासिल की है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शूटरों की मांगी जानकारी। पूरे मामले में यूपी कनेक्शन की जांच शुरू की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले को लेकर अब महाराष्ट्र बहराइच जांच की आंच तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आ गया है। गिरफ्तार किए गए शूटर ने खुद को नाबालिग बताया है और शूटर धर्मेंद्र कश्यप ने अपनी उम्र 17 वर्ष बताई है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से मांगा सर्टिफिकेट। बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। तो इस पूरे मामले को लेकर मुंबई टू बहराइच जांच जारी है। बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप, बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की के दो हत्यारों का कनेक्शन यूपी से जुड़ा हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं, बड़ी जानकारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय मिश्रा बहराइच से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, अब इस हत्याकांड के तार जो है बहराइच से जुड़े हैं, पहले अपडेट कीजिए पूरा मामला क्या है, कैसे इसके तार बहराइच से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं सौरभ कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो लीडर थे, जिस तरीके से मुंबई के चर्चित लीडर एनसीपी के बाबा सिद्दीकी, उनकी जब हत्या की गई, हत्या करने के बाद पुलिस ने जब इसकी बारीकी से जांच की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के बहराइच के गंडारा गांव के दो युवक जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पे गोलियां बरसाई थी, एक युवक धर्मराज कश्यप और दूसरा युवक शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम। मैं इस समय आपको बताऊं कि मैं शिवा गौतम के घर पे मौजूद हूं और शिवा गौतम अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। लगातार पुलिस जो है उसकी जांच कर रही है, उसको तलाशने का प्रयास कर रही है। और ये भी जानकारी मिली है, अभी हाल ही में जानकारी मिली है कि मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस बहराइच पहुंच चुकी है और एड्रेस की शिनाख्त को लेकर के वो परिजनों से कुछ ही देर में मुलाकात कर सकती है और बातचीत कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि परिजन परेशान है, परिजनों को साफ तौर पर उनका कहना यह है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है कि हमारे बेटों ने क्या किया है, हमें पुलिस सुबह पुलिस ने आकर के बताया है और तब हमें जानकारी मिली है। देखिए उनकी माँ है और उनसे हम बात भी कर लेते हैं। ये बताइए कि आपके बेटे का क्या नाम है? शिवा। आपको जानकारी कैसे हुई है कि आपका शिवा ने एक नेता की हत्या की है? सुबेरे जानकारी जैसे मतलब हम लैटरिन में वहां से आए, एक पास के लड़का बोला हमारे आदमी का, अच्छा कहला कोई आए का कहा होगा कहा होगा, कहीं कुछ नहीं यानी बीपी के मरीज है, बस तुम अचानक बताया जब बीपी लो हुई, फिर उसके बाद में बताए दिए वहां हम रोवे लागे, तुरंत थोड़ी देर बाद पुलिस आएगी वो बताए, उसके बाद आप लोग सुबह कोई आएगी तब यहाँ सब। वहाँ हत्या करने के बाद आप लोगों से कुछ संपर्क किया बेटे ने? कोई बात बात कही नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कैसा साल का था आपका बेटा? 19 साल का। अच्छा, यहाँ जब वो आता था तो किस साधन से आता था वो? बेटे ने रिक्शा से नहीं, रिक्शा से आता था, बस ट्रेन व्रेन से आवत रहा जाने था जी, ये तो बेटे ने रिक्शा से आवत। अच्छा, आप माँ है, आप कभी जानने का आपने प्रयास किया कि हमारा बेटा कोई गलत काम तो नहीं करने जा रहा है?
गलत काम नहीं आया मेरे नजर सामने, अच्छा नहीं आया मेरे नजर सामने, नहीं आया कि गलत काम करा। सर, अब देखिए ये परिवार के लोग हैं, ये माँ हैं, ये भी परेशान है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि माँ का दिल कैसा होता है। जब से इनको जानकारी मिली है तब से खुद ये परेशान है। इनका ये कहना है कि हमारा बेटा इनोसेंट है, उसको इसकी जानकारी नहीं है, हो सकता है किसी ने बहलाया हो, फुसलाया हो और बड़े पैसे का लालच देकर के उसने ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए मजबूर किया हो। फिलहाल जांच का विषय है क्योंकि मुंबई की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की पुलिस लगातार इसकी जांच कर रही है। हो सकता है कि एटीएस और एसटीएफ के संपर्क में पुलिस हो और लगातार उत्तर प्रदेश और मुंबई की टीमें जो है वो मिलकर के संयुक्त इसका जांच करें, पड़ताल करें कि आखिर में ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कैसे इनका वास्ता हुआ, कैसे इनके संबंध हुए। क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी पुष्टि की है कि हमने ही इस हत्या को अंजाम दिलवाया है, ऐसे में साफ तौर पे अब ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि इंटरनेशनल गैंग के सदस्य के ये संपर्क में ये दोनों युवक कैसे आए। फिलहाल जिस तरीके से यहाँ गांव का माहौल है, गांव के लोग आश्चर्यचकित हैं क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों युवक जो अभी बिल्कुल कम उम्र के हैं यानी 20-21 साल के हैं, ये कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जी सौरभ, बिल्कुल संजय, जैसा कि अभी आप आरोपी की माँ से बात कर रहे हैं और आसपास के और पीछे के बैकग्राउंड में आपको देख रहा हूँ, अति साधारण परिवार ये नजर आ रहा है। और मुंबई जैसे शहरों में माया नगरी में लोग लड़के जाते हैं तो तमाम तरीके की हसरतें लेके जाते हैं, परिवार की गरीबी भी उनके जहन में होती है और तरक्की की भी बातें होती हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये युवक कैसे जरायम की दुनिया के संपर्क में आए, किस तरीके से इन्होंने इतने बड़े नेता को मारने के इन्होंने प्लान बनाया, इनके पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल होता है। क्योंकि साधारणतः ये ऐसे तो हत्या को अंजाम देंगे नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं इनके पास जो हथियार आया वो कहाँ से आया, ये सब पहलुओं पर भी अब जांच होनी चाहिए। सौरभ, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि इनके घर का रहन सहन, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं। ये देखिए, ये छप्पर का मकान है, ये छप्पर है यानी कि जिस तरीके से कहा जा सकता है गांव में कहते हैं फूस की टटिया, यानी फूस का मकान है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इनका परिवार कैसे रह रहा होगा, किस तरीके से यहाँ गुजर बसर कर रहा होगा। इससे एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये पेशेवर अपराधी नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये पेशेवर अपराधी होते तो शायद इनके पास पैसा होता, इनके पास रुतबा होता और शायद ये उस व्यवस्था को ये कर ले जाते कि इनका परिवार बेहतर तरीके से रहता। लेकिन इनके घर की माली हालत को देख करके, इनके घर की स्थिति को देख करके बिल्कुल ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद इनको किसी ने इस्तेमाल किया है, निश्चित तौर पे इनको किसी ने पहली बार इनको प्रोजेक्ट किया है ताकि ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे। और निश्चित तौर पे कोई टारगेट इनका इतना बड़ा रहा होगा जिसको लेकर के इनको पूरा एक कुचक्र में फंसाने की साजिश रची गई होगी। हालांकि टीम लगातार जांच कर रही है, इसके बाद ये पता चलेगा कि वास्तविक घटना किस तरीके से हुई थी, किसने इनको शामिल किया था और किसने इनको लालच दिया था कि आप इतनी बड़ी घटना को अंजाम दो। जी अच्छा संजय, मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि आपने जब कैमरा पैन किया तो तमाम मीडिया वाले वहां पर बैठे हैं वहां पर, तो क्या सुरक्षा को लेकर भी कुछ ऐसी बातें हैं, पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी है क्या? बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं कि एहतियातन शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप दोनों लोगों के घर पे दो दो पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि वो सभी गतिविधियों पे निगाह रख सके। हालांकि जानकारी के मुताबिक अभी जो जानकारी थोड़ी देर पहले मिली है, मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस यहाँ पहुंची है लेकिन अभी वो गांव में नहीं पहुंची है, थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि गांव पहुंच सकती है और इनके परिवार से मुलाकात कर सकती है और एड्रेस शिनाख्त कर सकती है कि क्या ये हकीकत यही है कि गंडारा के वो लोग रहने वाले हैं। हालांकि अभी पुलिस यहाँ नहीं पहुंची है, लेकिन जिस तरीके से अजीब स्थिति ये हो जाती है ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए अगर पुलिस ऐसे ही आके खड़ी हो जाए तो बड़ी कौतूहल का विषय बन जाता है, भाई क्या हो गया, कैसा हो गया, ये क्या हुआ आम जनमानस में। अब इस समय मीडिया का भी जमावड़ा है, पुलिस का भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया, तो गांव वालों में एक अलग तरीके की अब माहौल बनता हुआ नजर आएगा कि अलग तरीके के विषय बनता हुआ कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। क्या इस बात से गांव वाले भी जान रहे हैं कि नहीं हमारे गांव के ही एक लड़के ने ऐसा कृत्य कर दिया है जो अब मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक माहौल गरमाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल सौरभ, आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं गांव के लोग भी हैरान हैं, परेशान हैं और हतप्रभ हैं क्योंकि गांव के लोग ये शायद सोच नहीं पाए थे कि गांव के दो ऐसे नव युवक जिनकी उम्र अभी 20 साल से कम बताई जा रही है वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ये देखिए तमाम गांव के लोग ही हैं,
जो इस पूरी जानकारी को सुनने के बाद यहाँ पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद घर वालों से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ये आखिर में किसके संपर्क में थे जिसकी वजह से इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि जांच के बाद ही स्थिति क्लियर होगी, लेकिन गांव के लोग भी परेशान है। गांव के लोगों से हमारी बात हुई, गाँव के ग्राम प्रधान से बात हुई, पूर्व प्रधान से बात हुई, सभी ने ये कहा केवल ये नशे के आदि थे। इतनी जानकारी मिली है कि ये नशे के आदि थे। आखिर में इन्होंने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया, कितना पैसा इनको मिला, किस तरीके से इनको वो असलहे दिए गए, वेपन कहाँ से इनके पास आया? देखिए समझिए, एक सवाल और खड़ा होता है कि देखिए आदतन तो ये अपराधी थे नहीं, या इनका कोई क्राइम कुंडली रहा हो? अगर तो अगर आपको जानकारी होगा तो आप साझा कीजिएगा, अगर पुलिस से कुछ बातचीत की हुई। अभी तो बच्चे ये नव युवक ही हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, ये मुंबई में जाते हैं और छोटा मोटा कोई व्यक्ति नहीं, बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता को इन्होंने टारगेट किया तो, और उनको गोली मारा, और उनके पास हथियार कैसे आए? मैं एक बार भी और इससे पहले भी आपसे सवाल पूछा, ये सब पॉइंट अब पूछे जाएंगे, कैसे इनको हथियार आया, कौन इनके पीछे है, और क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको जैसे बताते सुपारी सुपारी किलिंग कराया, क्या किसी ने ऐसा इनके पीछे है? इन सब पहलुओं पर भी अब बात होगी। अच्छा, गांव वाले से अगर बात कीजिए, अगर संभव है तो, अगर वो लड़के मिलते होंगे उनसे बात करते, कैसा उनका नेचर रहा, कैसे बातचीत करते थे, क्या वो कभी गांव में इस तरीके कभी कोई कृत्य किए, शरारत किए, इस तरीके की चीज़ें होती क्या? शुरू में ही कुछ देखने को मिल जाती है, ऐसी चीज़ें थी क्या? और मैं बेटा जरा आप इधर आइए, ये क्या लगता है कि जैसे ये जो धर्मराज और शिवा थे, ये मतलब क्या पहले से शरारती थे, या कुछ इनकी हरकतें पहले से ऐसी थी कि मतलब कुछ आम लड़कों से कुछ अलग थी, कुछ लगता था क्या? अच्छा, ऐसा कभी हुआ नहीं? आप लोग कुछ बताएंगे, कुछ 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 ऐसे लड़के मतलब इनके अंदर कुछ ऐसी आदतें थी कि कुछ आम लड़कों से हट करके थी? नहीं सर, ये सब मजदूर आदमी थे, ऐसे टेंट वेंट में काम करना जाना बस यही सब करते थे, बाकी लावाली बच्चे थे, तो इत्तेफाक की बात ऐसे सुनने में आया, बाकी ऐसे किसी को यकीन नहीं हो रहा है, ये यकीन नहीं हो रहा है सर। आप कुछ बता सकते हैं क्या? गांव का ही लड़का था ये, मेहनत मजदूरी करता था, कोई मतलब ऐसा कोई काम कभी किया ही नहीं इसने कि मतलब पता लगे कि हाँ कुछ किया है। ये गया है मुंबई कुछ मेहनत मजदूरी वहां भी करा, किसी के बहकाने में आके इसने कुछ ऐसा कुछ कांड कर दिया। बाकी सौरभ देखिए, मैं आपके माध्यम से इंडिया न्यूज के दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों लड़के स्क्रैप यानी कि कबाड़ का धंधा करते थे, और ये कबाड़ खरीद करके और बेचते थे। जिस तरीके से परिवार के लोगों ने बताया, जिस तरीके से ग्रामीण और जो नवयुवक जो लड़के हैं उन्होंने बताया, ये वहां पर करते थे। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल अब यही इसमें बनता है कि आखिर में ये कबाड़ बेचते बेचते इतने बड़े घटना को अंजाम देने के लिए किसके संपर्क में आए, किससे इनको पैसा मिला, कहाँ से इनको असलहा मिला, ये सारी चीजें जांच का विषय है। लेकिन एक साधारण से परिवार के जो ये लड़के हैं, ये कैसे इतने बड़े गैंग के संपर्क में आए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, साधारण परिवार का लड़का असाधारण काम कैसे करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। संजय, आप तमाम जानकारी वहां पर एकत्रित करते रहिए, लोगों से बातचीत करते रहिए, और पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते खबरों में आगे, मुंबई के चर्चित नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला सुर्खियों में है। बहराइच जिले के गांधार निवासी धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम के इस बड़ी वारदात में शामिल होने के बाद गांव के लोगों में भी हैरानी है। मुंबई में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या में बहराइच के शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा और धर्मराज कश्यप का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि शिवा और धर्मराज ने ही गोलियां बरसाई थी जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है। हम इस समय शिवा उर्फ शिव कुमार गौतम के घर पे आए हैं। सबसे पहले उनकी आर्थिक स्थिति हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि घर देखिए, घर पूरी तरीके से छप्पर का बना हुआ है, यानी कि साफ तौर पे कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ही अच्छी नहीं है। ये परिवार के भी लोग हैं, और किस तरीके से देखिए यहाँ पे उनके परिवार के लोग हैं, उनकी माता जी हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उनसे हम बात भी करेंगे, उनका घर भी देखिए। और दूसरी तरफ ये पूरी सूचना मिलने के बाद ये गांव के लोग भी यहाँ पर एकत्र हुए हैं और सभी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि हालांकि घर घर के लोग जो हैं वो आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि 8 दिन पहले शिवा से उनकी बात हुई थी, माता जी ने साफ तौर पर बताया कि 8 दिन पहले उनसे बात हुई थी, लेकिन अब ये अचानक ऐसे कैसे हो गया, ये जानने के लिए हम माता जी के पास पहुंचते हैं और माता जी से बात करते हैं। माता जी ये बताइए कि ये शिवा शिवा कौन है? शिवा हमारा बेटा है भैया।
अच्छा, हमारा लड़का ये कुछ आपको जानकारी है उसने क्या हमका किया? कुछ कहाँ जानकारी नहीं भाई भैया, आज यू जानकारी है कि पूना में हरीश नाम के लड़का रहा है, वह तिरहन भंगाड़ के काम करत रहा है जी। और हमका नहीं पता आगे अभी कैसे आपको जानकारी मिली कि किसी नेता की हत्या की है उसने? ये जानकारी मतलब हम स्वर्ग जागे तो द्वारा बहारित रहा है, द्वारा बहारत में एक लड़का पास के इनके पापक बलाई सिवा के रे तो बतावे लाग, तो हम झाड़ू खड़ी कही हुई के कहा लागे का होगा का होगा तब बताएं, तब हम जान पाओ कहीं न्यूज में सब देखा। कितने बच्चे हैं आपके? छह बेटे। हाँ, तीन बिटिया और तीन लड़का। तो सबसे बड़ा उनके ऊपर आरोप लगा है कि एक नेता की उन्होंने हत्या की है, क्या कहना चाहेंगी आप? तो भैया जब हमको कुछ पता नहीं तो हम कहा कह दी, जब कोई बात हम नहीं जाने थे नई बात है तो हम कहा कह दी भैया। देखिए ये माँ है और कहीं ना कहीं इनको भी तकलीफ है, इनको जानकारी नहीं है कि इनके बेटे ने इतने बड़े लीडर की हत्या की है। हालांकि ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो आपको कैसा लगेगा? ओ भैया हम तो वैसे जीते जी मर जाए, हम बीती बीमारी हमें नहीं है ना, वैसे मर जाए तो हम कहा बताए दी। अब उन्हें सबका देख के सवर रहा है, अब उन्हें सब कहीं तो हम कहाँ जी पाए। आपको विश्वास था कि शिवा ऐसा करेगा? हमका विश्वास ना है भैया कि शिवा ऐसे कई डरी है। देखिए कहीं ना कहीं माँ को तकलीफ है निश्चित तौर पे, हालांकि इनका कहना यह है कि 8 दिन पहले उससे बात हुई थी और 8 दिन के बाद अभी फिलहाल उससे कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से एक बड़े नेता की हत्या में शिवा का यानी शिव कुमार गौतम का नाम आया है, ऐसे में घर के लोग भी परेशान हैं। माँ जरूर ये कह रही है कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा बेटा ऐसा करेगा, लेकिन अब पुलिस जो कार्रवाई करेगी परिवार